किसी एक जंगल में टूनी नाम का एक चिड़िया रहती थी। टूनी के दो बच्चे थे, बहुत ही सुंदर और प्यारा सा। एक दिन उन दोनों बच्चों को टूनी ने बोला, बच्चों तुम यार रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आता हूँ। मैं जस्ट यूं ही गया और यूं आया, तुम किधर जाना मत, मैं अभी जाकर ले आता हूँ, ठीक है? और ये कहकर टूनी उन दोनों बच्चों को छोड़कर खाना लाने के लिए चला जाता है। टूनी खाना खोजते खोजते जंगल के बाहर आ जाता है। तभी जंगल के बाहर एक कावा ने एक ठेला लगाया बैठा रहता है और वो ठेले में बहुत सारे कच्चा फल बिक रहा होता है। फल ले लो, फल, ताजा ताजा फल, मीठा मीठा फल, आपेल, अंगूर, कोला, आम, सभी फल है मेरे पास, आ जाओ। ये सुनकर टूनी चिड़िया कावा के पास जाते हैं और उनके बच्चे के लिए दो फल ले लेते हैं। काव भैया, मुझे दो आपेल चाहिए। ये लीजिए टूनी बहन, तुम्हारे लिए दो आपेल। आपेल लेकर टूनी चिड़िया फिर से उनके घोंसले के पास जाते हैं। तभी रास्ते में एक छोटा सा चूचू चिड़िया रोने लगता है। तब टूनी चिड़िया उनके पास जाता है और कहता है, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए? तो गाइस, मेरे इंस्टाग्राम पर मेरे हर एक वीडियो पर बहुत सारे इस तरह का कमेंट आ रहे हैं कि भाई आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे, वीडियो क्यों नहीं बना रहे, 4 दिन हो गया है आपने चैनल पर आपने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया है, क्या हुआ है आपका? तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, जस्ट मैं 2 दिन रेस्ट लिया हूँ। क्योंकि गाइस, आप लोगों को तो पता है यूट्यूबर का लाइफ, सोते सोते भी काम करना पड़ता है। माइंड में यही चलता रहता है कि आज कौन सा वीडियो बनाऊँ, कल कौन सा वीडियो बनाऊँ, परसों कौन सा वीडियो बनाऊँ, अभी ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, कौन से ऊपर वीडियो बनाने पर ज़्यादा व्यूज़ आएगा, इस तरह का माइंड में चलता रहता है गाइस। थोड़ा सा भी मतलब माइंड को रेस्ट नहीं मिलता है, इसलिए मेरा माइंड थोड़ा जो है हैंगओवर हो गया था। तो मैंने सोचा चलो 2 दिन रेस्ट लेते हैं, उसके बाद ही हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है? ऐसा कोई बात नहीं है गाइस, इस चैनल पर आगे से कंटिन्यू वीडियो आते रहेगा और फाड़ू वीडियो आएगा, आप देख लेना, ठीक है? अभी तो जस्ट 20K कंप्लीट हुआ है, आप देखते रहिए मैं क्या करता हूँ। अभी तो ये तो ट्रेलर चल रहा है गाइस, अभी पूरा सिनेमा बाकी है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने बहुत सारे एनिमेशन रिलेटेड वीडियो बनाए हैं इस चैनल पर, ठीक है? बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कि एनिमेशन वीडियो कैसे बनाएंगे मोबाइल फ़ोन की मदद से, कैरेक्टर कैसे बनाएंगे, उसके बाद बैकग्राउंड कैसे बनाएंगे, इस तरह का वीडियो मैंने बहुत सारे बनाए हैं। तो कुछ भाई लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई आप ऐसा कोई वीडियो बनाएं ताकि हमें ज़्यादा जो है मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, हमें इतना नॉलेज नहीं है कि कैरेक्टर कैसे बनाएंगे, बैकग्राउंड कैसे बनाएंगे, आप ऐसा कोई ट्रिक बताइए जिससे हम जो है उसको डाउनलोड करके हम एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और पैसे कमा सकते हैं। तो गाइस, ये आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसलिए गाइस, आप लोगों को मैं ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ। आज की इस वीडियो में आपको सिंपल सा एनिमेशन करना सिखाऊंगा, ठीक है? मतलब एक तरह आप कॉपी पेस्ट ही समझ लीजिए, ठीक है? नहीं आपको कैरेक्टर बनाना पड़ेगा, नहीं आपको बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा, नहीं कुछ करना पड़ेगा। आप कैरेक्टर को डाउनलोड कर सकते हैं, बैकग्राउंड को भी डाउनलोड करके एनिमेशन बना सकते हैं, अपने चैनल पर अपलोड करके और लाखों रुपया महीने में कमा सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड है आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं, आप ध्यान से देखते रहिए। जस्ट आपको थोड़ा जो है एडिट करना आना चाहिए, और अगर आपको एडिट करना भी नहीं आता है तो कोई बात नहीं गाइस, आज की इस वीडियो में आपको पूरा सिखाऊंगा, आप ध्यान से देखते रहिए। अभी तो गाइस आप लोगों को पता है कि अभी टूनी चिड़िया ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो लोग टूनी चिड़िया का स्टोरी बना रहे हैं वो भी वायरल हो रही। तो आज की इस वीडियो में मैं गाइस ऐसी आप लोगों को 3 चैनल दिखाऊंगा, वो लोग जस्ट 2 मंथ पहले उन्होंने चैनल को क्रिएट किया है और उनके चैनल पर लाखों करके व्यूज़ भी आ रहे हैं और अच्छा खासा अर्निंग भी कर रहे हैं। तो मेरा एक फ्रेंड है उड़ीसा का, उन्होंने जस्ट चैनल क्रिएट किया है और 15 दिनों में जो है उनके चैनल मोनेटाइजेशन हो गया है। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मैं आपको दिखाऊंगा, उनका चैनल भी दिखाऊंगा। और अभी वो जो है पर डे $10 करके इनकम कर रहे हैं। उनका व्यूज़ भी दिखाऊंगा, चैनल दिखाऊंगा, क्या वीडियो बनाते हो सब कुछ दिखाऊंगा, और आप कैसे बनाओगे सब कुछ मैं आपको इस वीडियो पे बताऊंगा। अगर आपको एनिमेशन पर कुछ भी नॉलेज नहीं है कि कैरेक्टर कैसे बनाएंगे, बैकग्राउंड कैसे बनाएंगे, एनिमेशन कैसे करेंगे, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आज की इस वीडियो में आपको पूरा इजी स्टेप बताऊंगा, ठीक है? आप ध्यान से देखते रहिए, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो चैनल कैसे काम करता है, कब चैनल क्रिएट किया है, उनके चैनल पर कितने व्यू आते हैं अभी। तो इसके लिए मैं सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर मैंने 3 चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं आपको दिखाने के लिए। ओके, सबसे पहले मैंने यहाँ पर टुनटुनी जो चैनल है इस चैनल पर आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं, ये है चैनल, चैनल का नाम है टुनटुनी कार्टून टीवी। आप देख सकते हैं उनके वीडियो, मात्र 75 वीडियो को उन्होंने अपलोड किया है। और उनके चैनल कब क्रिएट किया है मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो उन्होंने चैनल क्रिएट किया है 23 अप्रैल 2022 को, ठीक है, ज़्यादा मतलब दिन भी नहीं हुआ है, 2 महीने पहले उन्होंने ये चैनल को क्रिएट किया है और फास्ट वीडियो ही उनका वायरल हो गया। आप देख सकते हो फास्ट वीडियो का व्यूज़ देखिए 1.6 लाख व्यू है और उनका लेटेस्ट वीडियो का व्यू देखिए, आप देखिए यहाँ पर उन्होंने 15 घंटे पहले एक वीडियो अपलोड किया है और इस वीडियो पर व्यू देखिए 13,000 व्यू आई है, तो कोई बात नहीं ये आ जाएगा व्यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 1 डे पहले एक वीडियो अपलोड किया है, आप देखिए 87,000 व्यू आई है, 1 लाख व्यू आए 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया है। ये चैनल इतना बड़ा भी नहीं है, जस्ट 2 मंथ पहले उन्होंने चैनल क्रिएट किया है और उनका चैनल पर देखो व्यू देखो तो अच्छा खासा भी कमाता ही होगा, ठीक है। और मैं आपको एक चैनल दिखा देता हूँ, चैनल का नाम है चूचू टीवी, ठीक है। ये चैनल पर क्लिक करता हूँ, चैनल व्यू पर क्लिक करता हूँ और ये देखो चूचू टीवी, उन्होंने 161 वीडियो अपलोड किया है उनके चैनल पर। और देखो उनके अबाउट पर जाता हूँ और ये चैनल कब क्रिएट किया है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जनवरी की 20 तारीख को उन्होंने जो है ये चैनल को क्रिएट किया है, ठीक है, ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है। उनका लेटेस्ट वीडियो पर व्यू देखिए जो अभी 18 घंटा पहले उन्होंने अपलोड किया है, ठीक है, 15 के व्यू आई है। 1 डे पहले एक वीडियो अपलोड किया है, 12,000 व्यू आई है। उसके बाद यहाँ पर 2 डे पहले एक वीडियो अपलोड किया है, 26,000 व्यू आई है। यहाँ पर देखिए 3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया है, 26,000 व्यू है, 25,000 व्यू, इस तरह का व्यू आई है। यहाँ पर मैं पॉपुलर वीडियो पर क्लिक करता हूँ तो देखिए पॉपुलर वीडियो का व्यू देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 लाख यानी कि 3 मिलियन, यहाँ पर देखिए 13 लाख, 11 लाख, 7 लाख, यहाँ पर 6 लाख, 4 लाख जो है यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारे उनका वीडियो जो है वायरल हुआ है। उसके बाद और एक चैनल मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये मेरा फ्रेंड का चैनल है ये, और ये उड़ीसा का है, ठीक है। इस चैनल का नाम है कृष्णा स्टोरीज, आप देख सकते हैं जस्ट उन्होंने 30 वीडियो अपलोड किया है उनके चैनल पर, ठीक है। और ये चैनल ज़्यादा दिन भी नहीं क्रिएट किया है, आप देख सकते हैं। अबाउट सेक्शन पर जाता हूँ, अबाउट पर जाने के बाद गए आप देख सकते हैं यहाँ पर 25 मार्च 2022 उन्होंने चैनल क्रिएट किया है, 5 घंटे पहले उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया है और 8,500 व्यू आई है। उसके बाद यहाँ पर 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया, आप देख सकते हैं 22,000 व्यू आई है। तो इनके पॉपुलर वीडियो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कितना व्यू आई है, वीडियो पर व्यू देखिए यहाँ पर 2 लाख, यहाँ पर 1,60,000, 1,30,000, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 94,000, 90,000, 80,000, ठीक है, इनके वीडियो पर व्यू आते हैं। इनसे मेरा बात होती है व्हाट्सअप पे या कॉल पे बात होती रहती है, तो अभी जो इन्होंने अर्निंग करते हैं गाइस वो सुनकर आप हैरान हो जाओगे, ठीक है। इनके पर डे जो अर्निंग है वो $10 करके इन्होंने अर्निंग करते हैं, पर डे $10 करके अभी अर्निंग करते हैं। सोच सकते हैं इनका मंथली अर्निंग कितना हो सकता है, अभी जस्ट चैनल को इन्होंने क्रिएट किया और अभी जो है चैनल तो अभी तो धीरे धीरे ग्रो ही हो रहा है। तो ये का सब छोड़िए, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दिखाने के लिए ये मैंने चैनल को दिखाया है ताकि ये लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आपको क्या करना है सब कुछ मैं आपको इस वीडियो पे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। आपको अगर कुछ भी नॉलेज नहीं है एनिमेशन में तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, आपको मैं इस वीडियो पे सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। एडिट करना सिखाऊंगा, कैरेक्टर कहाँ से लेंगे, बैकग्राउंड कहाँ से लेंगे, वॉइस ओवर कैसे करेंगे, जस्ट वीडियो को देखिए आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप कैरेक्टर कैसे लेंगे, अगर आप इस तरह का एनिमेशन वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप कैरेक्टर कैसे लेंगे। तो गाइस कैरेक्टर आप जो है यूट्यूब से ही ले सकते हैं, जस्ट आपको यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करना है। यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ सर्च बॉक्स पर आपको सर्च करना है स्टार इंडिया। तो गाइस ये जो चैनल देख रहे हैं इस चैनल पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर देखिए इस चैनल पर आपको ऑल टूनी चिड़िया का कैरेक्टर एनिमेशन करता हुआ ग्रीन स्क्रीन में आपको मिल जाएगा और ये कॉपीराइट फ्री है, आप देख सकते हो उन्होंने लीक कर रखा है। इससे मेरा बात हुआ है और मैंने इनको पूछा है कि भाई ये जो आपने ग्रीन स्क्रीन बनाते हैं ये कॉपीराइट फ्री है या नहीं है, तो उन्होंने कहा हाँ फ्री है, इसको आप ले सकते हैं अपने वीडियो पर यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते गाइस यहाँ पर आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है टूनिक कैरेक्टर आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से आप आराम से ले सकते हैं और अपने वीडियो पर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और भाई ने बहुत ही अच्छा एनिमेशन करते हैं, आप देख सकते हैं इनके वीडियो आप प्ले करके देख सकते हैं। जो भी कैरेक्टर आप लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से डाउनलोड करके लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए गाइस आपको प्ले स्टोर में जाना है, ठीक है। तो चलिए प्ले स्टोर में जाकर आपको दिखा देता हूँ। प्ले स्टोर में आने के बाद गाइस यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, एप्लीकेशन का नाम है इमेज सर्च मैन। तो जस्ट आपको यहाँ पर सर्च करना है इमेज सर्च मैन, तो ये एप्लीकेशन आ जाएगा। इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इस एप्लीकेशन में आपको हर बैकग्राउंड मिलेगा,
एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए। सबसे पहले आपको इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन को ओपन करना है, एंड ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स पर आपको सर्च करना है। यहाँ पर आप जो भी बैकग्राउंड लेना चाहते हैं या जो भी मटेरियल्स आप लेना चाहते हैं अपने कार्टून वीडियो के लिए, यहाँ पर आपको जस्ट सर्च कर देना है। चलिए मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कार्टून बैकग्राउंड, ठीक है। सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे बैकग्राउंड देखने को मिल जाएगा। तो आपको जो भी बैकग्राउंड पसंद आता है वो बैकग्राउंड को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको जस्ट नीचे जाना है, यहाँ पर आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। जस्ट यहाँ पर क्लिक करके उसे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जो भी बैकग्राउंड आपको पसंद आता है वो बैकग्राउंड को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, जिस फ़ोटो पर कंपनी का वाटरमार्क लिखा आएगा उस बैकग्राउंड को आपको डाउनलोड नहीं करना है, नहीं तो आपके वीडियो पर जो है कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ सकता है, तो उसको आप ध्यान में रखिए। बाकी आप जो भी डाउनलोड करना चाहते हैं वो करिए, ठीक है। यहाँ पर चलिए मैं अपने कार्टून वीडियो के लिए फटाफट से कोई बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेता हूँ, तो आपको भी यहाँ से कर लेना है, ठीक है। को यूट्यूब से कैरेक्टर को डाउनलोड कर लेना है स्टार इंडिया चैनल से, ठीक है। जो भी कैरेक्टर आप लेना चाहते हैं उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। तो गाइस मैं डाउनलोड करके तो आपको नहीं दिखाने वाला हूँ, डाउनलोड करना आपको पता है कि कैसे यूट्यूब का वीडियो डाउनलोड करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो यूट्यूब पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिए, ठीक है। और बैकग्राउंड आपको कैसे लेना है वो भी मैं आपको बता दिया है। अब आपको एडिटिंग करना सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो एडिटिंग करने के लिए गाइस आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है। काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको मीडिया ऑप्शन पर क्लिक करना है। मीडिया ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर बैकग्राउंड को इनपुट कर लेना है, ठीक है। आपको कुछ इस तरह का बैकग्राउंड आपको ले लेना है। लेने के बाद उसके बाद जस्ट आपको इनपुट करना है। इनपुट करने के बाद इसको आप खींच कर लंबा कर दीजिए, जितने सेकंड तक आप वीडियो बनाना चाहते हो उतने सेकंड तक। आप इसको जूम करके बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, आप जो भी सीन बनाना चाहते हैं यहाँ पर सारे मटेरियल को एक एक करके लेयर ऑप्शन पर जाकर इनपुट करना है। तो गाइस मैं यहाँ पर एक छोटा सा सीन क्रिएट करके आपको दिखाने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पर एक जो है कौवा दुकानदार है और यहाँ पर जो है वो फूड बिक रहा है, ठीक है। इस तरह का मैंने एक सीन यहाँ पर बनाने वाला हूँ आपको जस्ट दिखाने के लिए कि आप कैसे बना सकते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए एक ठेले का यहाँ पर मैंने PNG डाउनलोड किया है। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या लेयर ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो है उसको इनपुट कर लेना है कैरेक्टर को, ठीक है। तो ये कैरेक्टर मैंने इनपुट कर लिया है। इनपुट करने के बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर नीचे जाना है, या क्रोमा के ऑप्शन दिखाई देगा, इसको आपको जस्ट एनेबल करना है। एनेबल करने के बाद गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ आपको करना क्या है। इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद इसका साउंड को आपको म्यूट कर देना है। म्यूट करने के बाद इसको आप यहाँ पर थ्री डॉट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर ब्रिंग टू बैक कर दीजिए, ताकि ये जो कौवा है वो ऐसा लग रहा है कि बीक रहा है कुछ। तो यहाँ पर इसे यहाँ पर ऐड कर दीजिए। अब हमें यहाँ पर और भी कुछ कैरेक्टर ऐड करना है, तो इसके लिए आपको फिर से लेयर ऑप्शन पर क्लिक करना है और कैरेक्टर को गाइस आप पहले डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद उसे जस्ट आपको इनपुट करना है एक एक करके। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर को डाउनलोड किया है। तरीके से सारे मटेरियल को ऐड कर लेना है, कैरेक्टर को ऐड करके ग्रीन स्क्रीन को आपको रिमूव कर देना है और कुछ इस तरह का आपको ले लेना है कि ये जो कौवा कैरेक्टर है ये बोले उसके बाद ये बोले, तो ये आपको एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्रॉप करके ऐड करना है। मान लीजिए कौवा बोलेगा उसके बाद ये ट्यूनिंग कैरेक्टर बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वॉइस ऐड करना है, तो वॉइस कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर देखिए रिकॉर्ड का ऑप्शन है, तो सिंपली आपको इस रिकॉर्ड ऑप्शन पर आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा और आप जो भी डायलॉग बोलना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डायलॉग को बोल दीजिए, उसके बाद सीन को क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम यहाँ से डायलॉग को ऐड कर देते हैं। तो गाइस इस तरीके से मैंने यहाँ पर वॉइस को ऐड कर दिया है, तो आपको भी वॉइस को ऐड कर लेना है। गाइस मैं यहाँ पर आपको प्ले करके नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी मेरा इसकी रिकॉर्डिंग ऑन है, और मैं प्ले करके दिखाऊंगा तो ये साउंड म्यूट आएगा, ठीक है, सुनाई नहीं देगा, और मेरा माइक भी लगा हुआ है। तो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि मैंने एनिमेशन को कैसे किया है, तो एंड तक आप देखते रहिए। डीजी कट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, एक सीन को आपको यहाँ पर सेव कर लेना है एंड नेक्स्ट सीन आपको बनाना है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगा, ठीक है। आप ध्यान से देखते रहिए।
किसी एक जंगल में टूनी नाम का एक चिड़िया रहती थी। टूनी के दो बच्चे थे, बहुत ही सुंदर और प्यारा सा। एक दिन उन दोनों बच्चों को टूनी ने बोला, बच्चों तुम यहाँ रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आता हूँ। मैं जस्ट मिल गया और यूँ आया, तुम किधर जाना मत, मैं अभी जाकर ले आता हूँ, ठीक है। और ये कहकर टूनी उन दोनों बच्चों को छोड़कर खाना लाने के लिए चला जाता है। टूनी खाना खोजते खोजते जंगल के बाहर आ जाता है। तभी जंगल के बाहर एक कावा ने एक ठेला लगाया बैठा रहता है और वो ठेले में बहुत सारे कच्चा फल बिक रहा होता है। फल ले लो, फल, ताजा ताजा फल, मीठा मीठा फल, आपेल, अंगूर, कोला, आम, सभी फल है मेरे पास, आ जाओ। ये सुनकर टूनी चिड़िया कावा के पास जाते हैं और उनके बच्चे के लिए दो फल ले लेते हैं। काव भैया, मुझे दो एप्पल चाहिए। ये लीजिए टूनी बहन, तुम्हारे लिए दो एप्पल। एप्पल लेकर टूनी चिड़िया फिर से उनके घोंसले के पास जाते हैं। तभी रास्ते में एक छोटा सा चूचू चिड़िया रोने लगता है। तब टूनी चिड़िया उनके पास जाता है और कहता है, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। तो गाइस इस तरीके से बिल्कुल आसानी से आप अपने मोबाइल फ़ोन के मदद से एनिमेशन वीडियो बना सकते हैं और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करके महीने में लाखों रुपया अर्निंग कर सकते हैं। तो ये था गाइस आज का वीडियो, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। तो चलिए गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।